आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। नगर निगम कर्मचारी के मार्ग प्रकाश विभाग जोन एक में कर्मचारियों का है बुरा हाल। जी हां, जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्थाएं लोगों से कार्य कराती हैं और उनके वेतन को भूल जाती हैं, तो वहीं परेशान होकर के कर्मचारी लगा रहे हैं नगर निगम प्रशासन से गुहार और कार्यदायी संस्था अवनी परिधि के मुखिया से भी गुहार। जहां हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने बात की और जाना किस प्रकार से कर्मचारियों का वेतन ना मिलने से बुरा हाल है। लखनऊ विद्युत एवं यांत्रिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों से हमारे लखनऊ ब्यूरो ने बात की और जाना कितने महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है और क्या मुख्य समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। तो वही अवनी प्रदीप के मुखिया द्वारा एक बड़ा बयान आया है, देखिए एक विशेष रिपोर्ट जहां पर उन्होंने बताया कि किस वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे नगर निगम की एक कूड़े की एक गाड़ी है जहां आपको लेकर आया नगर निगम जोन एक मार्ग प्रकाशन विभाग में, जहां पे अभी हम बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर एक भ्रमी फैली हुई, जहां हर आम जनमानस इससे बचने के लिए किसी न किसी तरह का उपाय कर रहा है, जहां पर यांत्रिक विद्युत यांत्रिक विभाग कर्मचारी संघ में आपको लेकर आए, जहां उनसे जानेंगे कि कोरोना के बारे में उनकी क्या राय है और जिस तरह से जोन एक में कूड़े की गाड़ियां जिस तरह से खड़ी हुई हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है, जहां पर काफी लोग हैं जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि जहां पर इससे बचने के लिए सरकार कई तरह के राय दे रही है, कई तरह के रास्ते बता रही है, वहीं काफी संख्या में कूड़े की गाड़ियां जिस तरह से यहां पर है, कैसे संक्रमण बढ़ने का कारण नहीं हो सकता। अभी अध्यक्ष जिनके हैं और कई लोग हैं जिनसे जानेंगे कि कोरोना के बारे में कर्मचारियों की क्या राय है। लखनऊ विद्युत और यांत्रिक विभाग कर्मचारी संघ में इस वक्त हम आपको लेकर आए, जहां पर विकास कुमार गौड़ हमारे साथ हैं जो कि इस संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और जिस तरह से कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है, जहां पर इसके उपचार के लिए भी किसी तरह की भी दवा वैक्सीन नहीं बन पाई है। जहां कर्मचारियों की बात करें तो नगर निगम जोन फर्स्ट का ये ऑफिस है जहां पर कूड़े की गाड़ियां भी अपने हमारी स्क्रीन पे देखा, जिसमें काफी संख्या में यहां कूड़े की गाड़ियां खड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण ये हो सकता है। जहां कर्मचारियों से जानेंगे कि कोरोना के लिए किस तरह का उपाय कर रहे हैं और प्रमुखता किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं ये कर्मचारी। हमारे मार्ग प्रकाश विभाग में इससे 50 वर्षों से विद्युत की गाड़ियां यहां पर खड़ी होती थी, जबकि इस वक्त हमारे यहां कूड़े की गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। कोरोना वायरस चल रहा है जो कि विश्व का सबसे खतरनाक विश्व में फैला हुआ कोरोना वायरस है और इससे बचाव के हमारे मार्ग प्रकाश में कोई भी संसाधन नहीं है। अब इस विषय पर हमने नगर आयुक्त महोदय जी से भी मतलब हमने पत्र लगाया है कि कूड़े वाली गाड़ियां यहां पर ना खड़ी करी जाए, जिससे कर्मचारियों में संक्रमण फैल सकता है। और संक्रमण फैलेगा क्यों नहीं, कूड़े वाली गाड़ियां जबकि यहां पर नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा परिसर है, इस छोटे से परिसर में गाड़ी खड़ी हो नहीं सकती है। इससे पहले पूर्व में केंद्रीय कार्यशाला हमारा RR विभाग में, उसमें गाड़ियां खड़ी करी जाती थी, परंतु अब गाड़ियां यहां पर विद्युत की हटा दी गई हैं, विद्युत के अलावा अब यहां कूड़े की गाड़ियां खड़ी होने लगी, संक्रमण फैलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है साफ सफाई रखें, लेकिन यहां सफाई का कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, ना तो यहां चूना छिड़का जाता है और ना तो यहां पर आपने देखा होगा कि कूड़े वाली गाड़ियां किस व्यवस्था से खड़ी हुई हैं, इसका कोई संसाधन नहीं मौजूद है। और हमारे 5 माह हो गया, हमारे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया है। कार्यदायी संस्था अवनी परिधि नामक जो हमारी संस्था है उसने विगत 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया है, कर्मचारी इतना पीड़ित है।
अगर किसी के साथ कोई भी दिक्कत घर में पड़ जाती, किसी परिवार के साथ कोई बीमार हो जाता है कोई सदस्य, तो वो अपना दवा इलाज नहीं करा सकता है। लोगों ने इतना समझ लीजिए कर्जा ले रखा है, लेकिन उसका भी कोई संसाधन मौजूद नहीं है, ना सरकार सुन रही है, ना हमारा नगर निगम प्रशासन सुन रहा है इस विषय पर कि किसी भी तरीके से मतलब उनका भुगतान हो सके। कंपनी के पास भी गए और कंपनी भी 5 महीने का जो भुगतान है उसमें टालाबाजी कर रही है। नगर निगम के पास भी गए, नगर निगम भी किसी भी तरीके से इसको निस्तारण करने में अपना कोई रोक नहीं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने एक निर्देश भी जारी किया है कि जो भी कर्मचारी उनका वेतन जो बकाया है वो दे दिया जाए। कितने संख्या में आपके कर्मचारी हैं जिनका वेतन अभी तक नहीं हो पाया? सर, हमारे मार प्रकाश विभाग में लाइटिंग के करीबन 350 कर्मचारी हैं और 350 कर्मचारी अपनी निष्ठा से पूरा काम करते हैं। लाइटिंग का इतना समझ लिया जोखिम भरा काम है, बेचारे इतना जूझते हैं, बिजली का तार पर चढ़ते हैं, खंभों पर चढ़ते हैं, बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखते हैं, तो उसकी मेहनत का फल 5-5 महीने हो जाते हैं, ये हमेशा रहता है कि वेतन मिल नहीं पाता है और कर्मचारी इतना प्रताड़ित रहता है। कभी कभी ऐसा भी एक वाक्य आया था, हमारे कर्मचारी को वेतन नहीं मिला था तो उसने आत्महत्या कर ली थी, वो ट्रेन के आगे ज्ञानू मिश्रा ने उसने अपनी जान दे दी थी। अब समझ लीजिए ये दशा फिर से आ गई है कि कोई प्रताड़ित होकर कोई जान ना दे दे, हम लोगों को इसका डर बना रहता है। वेतन की सबको जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी कहा है, हाल ही में कल की बात है, मैं टीवी पर देख रहा था, उन्होंने कहा है कि जितना भी बकाया वेतन है सारे कर्मचारियों को दे दिया जाए, उनका किसी भी प्रकार का वेतन रखा ना जाए बकाया, क्योंकि उससे हमको दवा लानी है, अपने आगे की जरूरतें देखनी है। ये कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे लड़ने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, हमारे कर्मचारी बेचारे भूखों मर रहे हैं, उनके यहाँ भुखमरी का कागार आ गया है, परिवार इतना पीड़ित है, इतना दर्द झेल रहा है। आपको हम इसके विषय में कितना विस्तार से बताएं, हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, आप उनसे भी जानकारी करिए। नगर आयुक्त से इस विषय पे क्या चर्चा हुई आप लोगों की, जैसा कि कार्यदायी संस्था को जो जिम्मेदारी देने वाली विभाग है वो नगर निगम है, उसने क्या जवाब दिया? नगर निगम के जो हमारे मुखिया है, हमारे नगर आयुक्त महोदय जी, उनके पास मैं गया था अपने महामंत्री जी के साथ और हमारे पदाधिकारी भी गए थे, हम लोग उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने हमको खाली इतनी राय दी कि वो मेरे आदमी नहीं है, मेरे आदमी नहीं है, वो मुझसे मतलब नहीं है, कर्मचारी संस्था से जो रखे गए आप संस्था से कहिए। कार्यदायी संस्था को काम देने वाला कौन है? कार्यदायी संस्था वाला काम देने वाला नगर निगम प्रशासन है, और नगर निगम का प्रशासन अगर हमसे काम ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी नगर निगम की बनती है। बिल्कुल नगर निगम की बनती है, नगर निगम को जो पीड़ित हैं उन कर्मचारियों को कम से कम वेतन दिलाना चाहिए। 5-5 महीने हो गए, इंसान वेतन नहीं पाएगा तो कैसे अपनी जीविका चलाएगा? बिल्कुल लेबर कोड का भी अगर देखे तो 40 दिन में अगर वेतन नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समझ लीजिए इस तरह की भ्रांति है समय समय पर फैल ही रही थी। अपनी परिधि जो एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो सदर में इसका शायद कार्यालय, इस पर किस तरह की कार्रवाई अभी विभाग द्वारा हुई या क्या लेबर कोर्ट में आप लोगों ने गुहार लगाई? लेबर कोर्ट में हम लोग कमिश्नर से मिले थे, लेबर कमिश्नर को हमने बाकायदा इस संस्था के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई कि ये कंपनी समझ लीजिए एक तो ब्लैक लिस्टेड है, पहली बात तो इसका अनुबंध नहीं होना चाहिए था, और अनुबंध अगर यदि हुआ भी है तो ये गंभीरता से सोचता नहीं है, कर्मचारियों का वेतन हमेशा लटका रहता है, उसका कहना रहता है कि जब पैसा आएगा तब हम देंगे। तो हमारे कर्मचारी बेचारे, हमारे कर्मचारी इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनका कम से कम उनको पैसा उनको समय पर मिलना चाहिए, उनकी भी तरह तरह उनके बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लोग स्कूलों से निकाल दिए गए बच्चों के, राशन नहीं आ पाता है, खाने की चीजें नहीं मिल पाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम ने इस संस्था को रखा है, ठीक है, और नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अभी महामंत्री से आपके बात कर, तो लखनऊ विद्युत और यांत्रिक विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे जिनसे हमने जाना कि किस तरह से अवनी परदी एनर्जी जिस तरह से इस कंपनी द्वारा, इस कंपनी को नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर रोड मार्ग प्रकाशन का काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अवनी परदी शोषण का काम कर रहा है, जहां
आपको बता दें कि इनके अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया और कई बार खबरों में भी आया कि अवनी परदी जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड हुई थी, आखिर ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नगर निगम द्वारा स्टैंडर्ड को देने का क्या उद्देश्य रहा, अभी महामंत्री से जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरह से दिक्कतों का सामना ये कर्मचारी कर रहे हैं। मंत्री जी अपने परिचय के साथ बताएं कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है ये कर्मचारी। मैं मुकेश सिंह सोलंकी महामंत्री हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है, इस समय देश के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको देखते हुए परिसर से सबसे पहले तो यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो हटवाई जाएं, जो हमारी अपनी गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी की जाएं। पर्याप्त मात्रा में आरआर में जगह है जहाँ हजारों गाड़ी खड़ी की जा सकती हैं। सबसे मुख्य समस्या यही है हमारे यहाँ। उसके बाद में हमारा जो कार्यदायी कर्मचारी है 350 के आसपास, उसको 5 माह से वेतन नहीं मिला है, खाने पीने की बहुत तंगी है। इससे पूर्व 2018 में हमारा एक कर्मचारी आत्महत्या कर चुका है। कर्मचारी तो हमारे कई एक्सपायर हुए, जो दो कर्मचारी गोविंद जी देव जी जी हमारे यहाँ खम्भे से गिरकर चोट लग गई थी, उनके फ्रैक्चर हो गया था, बाद में एक्सपायर हो गए। नगर निगम प्रशासन को से 2 लाख रुपए की बात हुई थी, 1 लाख रुपए प्रशासन ने दिए, 2 लाख का समझौता हमारे पास है, जो आज तक उसकी पत्नी को नहीं मिला है, ना उसकी पत्नी को कोई नौकरी मिली है। एक कर्मचारी था रामनाथ, वो भी चोट खा के गिरा, काम कर रहा था जो 3 मर्द, तो वहां खंबा गिर गया, खंबे के साथ साथ वो भी गिर गया, वो भी बेचारा एक्सपायर हो गया। उसकी पत्नी को तो खैर हमने नौकरी जैसे जैसे दिला दी नगर निगम प्रशासन से कैसे उनके, लेकिन उसके परिवार को कोई भी सरकार की तरफ से और ना ही नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली आज तक। जिस तरह से कहा गया कि अपनी प्रदेश ब्लैकलिस्टेड कंपनी है जिसको नगर निगम हर बार टेंडर दे देती है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में कि हर 5-5 महीने पर वेतन मिलने से किस तरह से गुजारा भत्ता आप लोग कर रहे हैं, महापौर और नगर आयुक्त इनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? देखिए, जो भी हमारे यहाँ कंपनी आई है ये पहली बारी आई है अपनी परदी, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि इस कंपनी के खिलाफ हमने इतने कागज लगाए, सबूत सौंपे, उसके बाद भी इसको टेंडर दे दिया गया। हमने मीटिंग हुई, मीटिंग में भी आरोप लगाया इस कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी इसको टेंडर दिया गया। हमने कहा इस कंपनी को टेंडर ना दिया जाए क्योंकि इसके पास उचित कागज ही नहीं है, ये तो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और इसके खिलाफ तो हमने बहुत से कागज सौंपे, शासन प्रशासन को लगाए, जो कि आज भी कागज हमारे पास मौजूद होंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दे दिया गया, उसके बाद तनख्वाह भी नहीं दे रही है, हम किससे रोने जाएंगे? हम नगराग महोदय के पास गए थे, उनसे बातचीत हुई, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बकाया जो भी बचा हुआ कर्मचारियों का वेतन है उसे 10% विभाग दे, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे विभाग के कर्मचारियों को बकाया वेतन दे दें, प्लस हम संविदा कर्मचारी हैं, 105 यहाँ पर थे, 104 बचे, एक एक्सपायर हो गया गोविंद। हम ये चाहेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए जिससे कि हम भी अपने जीवन यापन कर सके। 7,500 रुपए में इस समय अब हम लोग की नौकरी नहीं चल पा रही है, हम कैसे अपने परिवार को 7,500 रोटी खिला रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम हम परिवारों की पीड़ा को समझें। आज इतनी अवस्था हो गई है, किसी की 52 साल है, कोई 50 साल है, कोई 45 साल है, आने वाले समय किसी की 2 साल नौकरी है, किसी की 4 साल नौकरी है। जब हमको परमानेंट ही नहीं करेंगे तो खाएंगे बच्चे हमारे क्या करेंगे? भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, ना ब्याह शादी कर सकते हैं उनके, ना हम उनको पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, ना उनको ढंग से हम किसी संस्था में लगा सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो सड़क पे आने काबिल हो गए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले तो हमको नियुक्ति पत्र दिलाया जाए, जिसके लिए हमने 3-3 बार हाईकोर्ट से आर्डर लाए, हाईकोर्ट ने हमको नियमित करने के आदेश कर दिए, उसके बाद भी हमारी फाइलों को ऐसे इधर कूड़े की भांति फेंक दिया जाता है जो विभाग में। आज तक 2016 में आदेश हुआ, 16 बीत गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, कब भेजेंगे भाई? कैसा शासन प्रशासन है? मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, बताया जाता है 35 लाख कर्मचारी लगा दिया, 30 लाख लगा दिया, कहाँ लगा दिया? मार प्रकाश का तो 104 बाहर है, कौन कह रहा है लगा दिया? अगर लगा दिया तो उसके प्रूफ भी होंगे उनके पास, तो ठीक है। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारी का भरण पोषण करने के लिए इतनी कम तनख्वाह में, हमारे 7,500 में हमारे कर्मचारी का गुजारा नहीं होता। मैं सरकार से और अपने नगर महोदय से अनुरोध करूंगा कि इनका कम से कम जीने भर का वेतन तो दिया जाए जिससे इनका परिवार पल सके। ये तो स्थिति ऐसी है कि न मरने दे रहे हैं न जीने दे रहे हैं। ठीक है।
अरे या मर नहीं दो या जी नहीं दो। तो ये थे लखनऊ विद्युत यांत्रिक विभाग कर्मचारी संघ के लोग, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अवनी परिधि नामक कंपनी को जिस तरह से नगर निगम द्वारा टेंडर दिया गया है, जहां पर हाईकोर्ट से भी आदेश हुआ था इन रोड यानी कि मार्ग प्रकाशन कर्मचारियों के लिए कि इन्हें परमानेंट किया जाए, जहां परमानेंट 2016 या 17 में जैसा कि इनके महामंत्री ने बताया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम विभाग कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए जिस तरह से निजी कंपनियों को टेंडर देने का काम कर रहा, जहां कर्मचारियों का शोषण लगातार इस कंपनियों द्वारा हो रहा है, जहां उन्होंने बताया कि कोरोना से भी जिस तरह से नगर निगम के जोन वन में लगातार कूड़े की गाड़ियां खड़ी की जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं कर्मचारी परेशान है। और ये गुजारिश नगर निगम से कई बार अपने पत्रों द्वारा कर चुका है कि इसे इनकी कार्यशाला में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जहां कोरोना से संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं पर नगर निगम विभाग द्वारा इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना इनके वेतन के लिए किसी तरह की कार्यवाही की गई, जहां पर अवनी परिधि और नगर निगम लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता नजर आया। क्या कहेंगे जिस तरह से अवनी परिधि या जो रोड कर्मचारी है, मार्ग प्रकाश कर्मचारी जो है, मार्ग प्रकाश के लिए जो काम करते हैं, कार्यदायी संस्था अवनी परिधि द्वारा पिछले 5 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया, आखिर क्या कारण है जिस वजह से उनका वेतन नहीं मिल पा रहा? देखिए, हमारी कंपनी नगर निगम में पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही है। नगर निगम के 2 महत्वपूर्ण विंग है, एक मार्ग प्रकाश है, दूसरा RR है, रवि श्रीमंगल करके 2 विंग है, जहाँ पर कंपनी की तरफ से 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे और नगर निगम के बीच एक अनुबंध निष्पादित हुआ था, जिसमें एक शर्त थी कि हमको अगर नगर निगम के पास भुगतान की कोई दिक्कत होगी तब भी हमें 3 माह तक कर्मचारियों का भुगतान करना है जी। उस अनुबंध के मुताबिक नगर निगम का बजट हो या ना हो, भुगतान की जिम्मेदारी हमारी बनती थी 3 माह तक। वो जिम्मेदारी हमने अपनी बखूबी निभाई है, हमने 3 माह से अधिक, लगभग 6 माह का भुगतान नगर निगम के कर्मचारियों को अपने बजट से कर दिया जी। अब बारी नगर निगम की है। मुझे ऐसा पता चला है कि नगर निगम के पास बीच में वित्तीय अभाव था, नगर निगम के पास उतने संसाधन नहीं थे जितना उनके पास खर्च उनके बनते थे। उन लोगों ने अभी कुछ सरकार की मदद से और कुछ अपने स्वयं के प्रयासों से फंड का अर्जन किया है, जिसमें मेरी नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता हुई थी, जिस क्रम में उन्होंने आश्वस्त किया है कि 31 मार्च 2020 तक वो हमारे सारे देयक हमको दे देंगे जी। तत्पश्चात हम जितने भी देयक हमारे स्तर से कर्मचारियों के बनते हैं वो हम चुका देंगे। आपको ये बात मैं अवगत और कराना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा कर्मचारियों के PF तथा ESI संबंधी समस्त देयक अब तक के चुकाए जा चुके हैं अपने संसाधनों से जी। यहाँ तक कि कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि उसको PF या ESI के कोई फंड उसको प्राप्त नहीं हुए हैं, भले ही नगर निगम से हमको अभी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हमारे द्वारा चुकाए जा चुके हैं। मतलब नगर आयुक्त से सभी कर्मचारियों ने बात की, मार्ग प्रकाश कर्मचारियों ने बात की नगर आयुक्त से, तो उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था से आप इस विषय पर बात करें। नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया तो मेरी ही जिम्मेदारी है करने की, लेकिन मेरी भी अपनी एक सीमा है। मैंने अपनी सीमाओं के अंतर्गत जो मुझसे बन पड़ सकता था वो मैंने कार्य किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रथम दृष्टया उनको भुगतान करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी कार्यदायी संस्था की है, और कार्यदायी संस्था का मुखिया होने के नाते मैं इस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो RR के हों या मार्ग प्रकाश के हों, अगर नगर निगम मुझे भुगतान करता है तो मैं उनका फरवरी तक का समस्त भुगतान, क्योंकि मार्च पेड अप्रैल होता है, इसलिए फरवरी तक का समस्त भुगतान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक।